हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसके ऑर्डर वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ था। ग्राफ से आपने पहले उसका एक्सेलरेशन कंफर्म किया कि 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड उसका मालूम किया था 0 से लेकर 7 सेकंड तक का, जो कि 38.5 मीटर आया था। फिर आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज मालूम किया था, और उसके बाद जो है क्लास खत्म हो गई थी। ये सवाल इनकम्प्लीट रहेगा। आज की क्लास में जो हम इस सवाल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम जो थे वो सवाल के इस पार्ट पे थे। भाई कौन सी वर्कबुक इंसर्ट कर दी मैंने, ए टू बी कर दी। ऑलराइट ऑलराइट, तो हम जो थे जनाब वो इस क्वेश्चन पे थे। ठीक है, हमने इसका पहला पार्ट किया, इसका पार्ट बी किया हमने, और अब हम इसका पार्ट फोर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द टेंशन इन द वायर एट टाइम टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड इज 280 न्यूटन। टू कैलकुलेट फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन द वर्टिकल लिफ्ट फोर्स एफ सपोर्टिंग पी। टी इज टू 5 सेकेंड पर जो टेंशन है वो 280 न्यूटन है। जो वर्टिकल लिफ्ट जो ऊपर की तरफ हवा है इसको ऊपर उठा रही है, जिसने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, वो कितनी। अगर एक काम करते हैं, जरा इस चीज पर हम गौर करते हैं कि इसके ऊपर फोर्सेस कितनी लग रही है इस पैराग्लाइडर पर। इस पैराग्लाइडर को एक तो बोट इस तरफ रस्से की तरह खींच रही है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स है टेंशन की फोर्स। ठीक है, एक इस पैराग्लाइडर का वेट है जो कि जरा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, एक जो है वो एयर रेजिस्टेंस होगी जो कि जरा बैकवर्ड लग रही होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी बैकवर्ड, और एक हवा जो पैराशूट की हवा जो उसको ऊपर की तरफ उठा रही होगी, वर्टिकल लिफ्ट। ठीक है, स्क्वायर बोला है इसमें, तो इस पर ये चार फोर्सेस लग रही। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस देखते हैं। इसमें से टेंशन की फोर्स जो है ना वो ना डाउनवर्ड है, ना फॉरवर्ड है, ना बैकवर्ड है, बल्कि इंक्लाइंड है। उसका लिए होता है किसी कॉम्पोनेंट बनाए जाए। तो टी वाली फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा, और ये कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, टी कॉस 25 डिग्री, और एक कॉम्पोनेंट इसका बनेगा नीचे की तरफ, तो ये कितना बनेगा, टी साइन 25। तो वो ओवरऑल देखी जाए तो जो पी पैरा जो पैराग्लाइडर है उसके ऊपर फॉरवर्ड एक फोर्स हो गई, बैकवर्ड एक फोर्स हो गई, डाउनवर्ड दो फोर्सेस हो गई, और अपवर्ड एक फोर्स हो गई। ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स हो गई वो कितनी हो गई, टी कॉस 25, बैकवर्ड फोर्स हो गई आर, अपवर्ड फोर्स हो गई एफ, डाउनवर्ड फोर्स एक हो गई वेट, और एक हो गई टी साइन 25। अब ये पैराग्लाइडर वर्टिकली अगर आप देख रहे हैं तो वर्टिकली ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए।
यानी कि जो एफ है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ की दो दो फोर्सेस हैं, वेट प्लस साइन टी साइन 25, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि वर्टिकल फोर्स एफ बराबर है वेट ऑफ पैराग्लाइडर प्लस टी साइन 25 डिग्री। अब वेट बराबर होगा एम जी के, एम जी प्लस टी साइन 25 डिग्री। अब एम कितना है पैराग्लाइडर का मास? 95 है। जी की वैल्यू 9.8 है प्लस टी की वैल्यू 280 है इंटू साइन 25 डिग्री। तो सॉल्व करके बता दें मुझे एफ का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। ठीक है, तो सॉल्व करके बताएं कि एफ का आंसर क्या आ रहा है। इधर बताएं क्या आंसर आ रहा है इसके, जल्दी शाबाश। वन जीरो फोर नाइन पॉइंट थ्री। राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा 1050, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 1050 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद कह रहे थे फोर्स आर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस मालूम करनी है भैया आपको, यानी कि आपको याली फोर्स मालूम करनी है, जब हमने फोर्सेस बनाई थी ना आर मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी। तो क्या सवाल ये बताता है कि R और T cos 25 आपस में बराबर होंगे? R और T cos 25 यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर होते अगर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता, बट ये ऑब्जेक्ट इस वक्त एक्सीलरेट कर रहा है। उसने हमसे सवाल में पूछा है ये सब कुछ आपको कब कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है जब T इक्वल्स टू 5 सेकंड है, और जब T इक्वल्स टू 5 सेकंड था तो उसका एक्सीलरेशन था 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब कोई चीज एक्सीलरेट कर रही होती है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो बराबर होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। जब कोई चीज एक्सीलरेट कर रही होती है तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स के, और रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है एमए के। फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पर है टी कॉस 25 और बैकवर्ड फोर्स है आर एयर रेजिस्टेंस। तो आर बराबर होगा टी कॉस 25 माइनस एमए। तो टी की वैल्यू कितनी है भाई? टी की वैल्यू से दी हुई 280। ये कहाँ से आई? ये दी हुई टी की वैल्यू है टेंशन, टेंशन इन द वायर इज 280। टी की वैल्यू 280 हो गई इंटू कॉस 25 माइनस मास है 95, एक्सेलरेशन आपने निकाला था 1.4। तो सॉल्व करके बताएं कि एयर रेजिस्टेंस कितनी आ रही है आर। आर वैल्यू बताएं इसकी, आर की वैल्यू क्या आ रही है शाबाश जल्दी से।
120.76. जो 120 या फिर दो एस एफ में वन, तो 121 भी चलेगा और 120 भी चलेगा, दोनों सही। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, जो पहले इनकम्प्लीट था अभी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, डिफाइन द मोमेंट ऑफ आ फोर्स। तो भाई मोमेंट ऑफ आ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ आ फोर्स बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, ये आपने जो है वो मोमेंट की डेफिनेशन लिख दी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फिर कह रहा है थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ओ बाय अ पिन। द डिस्क इज सपोर्टेड सो दैट इट इज वर्टिकल, थ्री फोर्सेस एक्ट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एज शोन, टू हॉरिजॉन्टल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1.2 न्यूटन act at points A and B on the edge of the disk. A force of 6 newton at an angle of theta below the horizontal acts on the midpoint C of a radial line of the disk as shown in figure 2.1. The disk has negligible weight and is in equilibrium. अब देखें, एक disk है, इसको point O पर आपने जो है pin लगाई हुई है, इस पर तीन forces लग रही हैं, एक ये 1.2 newton की force है इस तरफ और एक 1.2 न्यूटन की फोर्स है इस तरफ। पहले बताएं दोनों 1.2 1.2 मिलकर कपल बना रहे नहीं बना रहे? हाँ जल्दी बोलें, ये 1.2 और 1.2 बना रहे, बना रहे सर। क्योंकि देखें ना, एक 1.2 न्यूटन इस तरफ है और एक 1.2 न्यूटन इस तरफ है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, ऑपोजिट है और पैरेलल है, एक लाइन पे नहीं है, तो ये कपल बन रहा है इनका। जब इनका कपल बनेगा तो उनका टॉर्क भी बनेगा। अब टॉर्क के लिए दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर फॉर द टॉर्क ऑफ द कपल ड्यू टू द फोर्सेज एट ए एंड बी एक्टिंग ऑन द डिस्क, यानी कि इन दोनों कपल के, इन दोनों फोर्सेज का जो कपल बन रहा है इसका टॉर्क मालूम करना है। अब देखें टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉर्क हो जाएगा आपका 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2R, यानी के 2.4R। तो टॉर्क आ गया कपल की वजह से। फिर कह रहा है फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द पिन इज नेग्लिजिबल, सो डिटरमिन द एंगल थीटा। ये एंगल थीटा आपको मालूम करना है, ये 4-6 न्यूटन के इसके बनाने पड़ेंगे। अब देखें तो फोर्स है 6 न्यूटन की, इसका एक कंपोनेंट तो ये बनेगा भाई, का एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा भाई, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा बनेगा 6 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा 6 sin थीटा। ये जो पिन है इसको अगर हम पिवट अज्यूम कर लें जो कि हमें करना है, तो ये वाली जो फोर्स 6 cos थीटा है ये पिवट से गुजर रही है, और जब फोर्स पिवट से गुजरती है तो उसका कोई मोमेंट नहीं होता, और जो 6 sin थीटा है ये पिवट से कितना दूर है, पिवट से r अपॉन 2 के डिस्टेंस पर है। 6 sin थीटा जो है ये पिवट से r अपॉन 2 के डिस्टेंस पर है, और ये इस तरह से इसको घुमाने की कोशिश कर रही है 6 sin थीटा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो कपल है 1.2 न्यूटन का, 1.2 न्यूटन कपल इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो टॉर्क है, जो आपने टॉर्क निकाला था 2.4, ये टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है, जबकि 6 sin थीटा जो है इसको कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये डिस्क बैलेंस है तो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट बराबर होना चाहिए। क्लॉकवाइज जो आपका टॉर्क है
2.4 आर, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो है 6 sin थीटा इंटू आर अपॉन टू। ये 6 sin थीटा जो कॉम्पोनेंट बन रहा है फोर्स का, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बाई टू है, तो इसके डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया आर बाई टू से, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है 0.8 हो गया। तो साइन थीटा बराबर हो गया 0.8 के, और थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 0.8। इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 0.8 का आंसर। आसान दवा में एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। फिर कह रहे स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क। पिन कितनी फोर्स लगा रही है डिस्क पे, अगर आप गौर से देखें इसको, अब फोर्सेस डायग्राम को देखें, अगर इसको अलग से बनाता हूँ, फोर्सेस देखें अगर इस डायग्राम को, तो उसपे तीन फोर्सेस लग रही थी ना, एक तो 1.2 इस तरफ लग रही थी, एक 1.2 इस तरफ लग रही थी, और एक फोर्स जो है वो यूं लग रही है इस तरफ 6 की। तो ये 1.2 तो बैलेंस हो गई, राइट और लेफ्ट की फोर्स बराबर हो गई। तो ये जो 6 न्यूटन है इसको बैलेंस करने के लिए भी यूं एक फोर्स लगनी चाहिए ना तरह से, ताकि रिजल्टेंट फोर्स 0 आ सके। तो फोर्स भी 6 न्यूटन की होगी जो कि पिन पे लग रही होगी। तो अगर आपकी तीन फोर्सेस में से दो कैंसिल आउट हो गई, तो जो तीसरी फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए पिन पे फोर्स लगनी चाहिए ना, ताकि रिजल्टेंट फोर्स टोटल 0 आए। तो फोर्स कितनी होगी 6 न्यूटन की, सिंपल बस 6 आंसर। ठीक है जी, तो दैट्स इट, ये वर्कशीट आपकी जो है कंप्लीट हो गई। सर हमें कैसे पता चलता है कि हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं चीजों के, जैसे हम कॉस वगैरह लगाते हैं, कॉस साइन? हाँ तो तुम क्या करो, तुम कहते हो क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं? हाँ ये अच्छा सवाल किया तुमने, इसमें से जवाब कई दफा दे चुका हूँ लेकिन दोबारा जवाब दे देता हूँ। देखो इसका जवाब ये है कि उसका जवाब ये है कि डायग्राम में मैंने जब डायग्राम बनाई तो मैंने कहा देखो एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, एक फोर्स लेफ्ट साइड पर है, एक फोर्स ऐसे। ये फोर्स वर्टिकल है, इसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे। सही। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे। ये फोर्स वर्टिकल है, इसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे। लेकिन ये फोर्स जो है ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, कंपोनेंट हमेशा उस वेक्टर के बनाए जाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों नहीं होता। तो उसका एक कंपोनेंट ये बनेगा हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा वर्टिकल। सही। कंपोनेंट उस वक्त बनाने पड़ते हैं जब वेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल। ठीक है सर, थैंक यू। कंप्लीट, काम हमारा कंप्लीट हुआ है वर्कशीट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। बाकी चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चले भैया, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। देखिए हमने जो है बचपन में हेटेरोट्रिल रूल पढ़ा था, उसके हिसाब से अगर ये एक वेक्टर है, एक फोर्स है, मिसाल के तौर पर F1, चलिए ये कह दें, ये दूसरी फोर्स है हम कह रहे थे MB। अब इन दोनों को हम हेटेरोट्रिल रूल के हिसाब से ऐड करें, अगर ये और पहले हमने ये बनाया, यहाँ पर बना लिया ये, जहां पे ये खत्म हो रहा था वहां से हमने
बी बना है, यहाँ पे खत्म होता है वहां से बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे पहले के टेल और आखिरी के हेड को मिला दिया, मिला दिया भाई, तो ये क्या बन गया, इन दोनों का रिजल्टेंट बन आर, जो कि बराबर है ए प्लस बी। इस तरह हम हेड टू टेल रूल अप्लाई किया करते थे, आपको याद होगा। जब हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करके दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये ट्राइंगल बनती है। ये जो ट्राइंगल बनी है ट्राइंगल क्या कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है वेक्टर ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है वेक्टर ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अगर आप तीनों कॉर्नर्स पे गौर करें, इस वाले कॉर्नर पर टेल और टेल ज्वाइन हो रहे हैं, इस वाले कॉर्नर पर हेड और टेल ज्वाइन हो रहे हैं, और इस वाले कॉर्नर पर हेड और हेड ज्वाइन। ठीक है, तो टेल और हेड के बीच में जो साइड होती है वो रिजल्टेंट होती है। ये वेक्टर ट्रायंगल से रिजल्टेंट को पहचानने का तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई वेक्टर ट्रायंगल बनाए विदाउट लेबलिंग देम, मिसाल के तौर पर हमने ये एक वेक्टर ट्रायंगल बनाई समथिंग लाइक दिस, हमारी वेक्टर ट्रायंगल हो गई भाई, बना ली। अब ये एक एरो है, ये एक एरो है, और ये एक एरो, ये ए है, ये बी है, और ये सी। अब हमें पहचानना है कि इन तीनों साइड्स में से, ए बी सी में से रिजल्टेंट कौन सी साइड है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर हेड और हेड मिल रहा है इस कॉर्नर पे, देखो ए का हेड भी यहाँ आ रहा है, बी का हेड भी यहाँ आ रहा है। यहाँ पर ए की टेल है और सी की भी टेल है, और इस कॉर्नर पर सी का हेड आएगा और बी का टेल आएगा। तो इस कॉर्नर पर हेड और हेड है, इस कॉर्नर पर टेल और टेल है, तो ये दोनों कॉर्नर के बीच में कौन सी साइड है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रिजल्टेंट। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी दो वेक्टर्स को या दो फोर्सेस को आप हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ ट्रायंगल, एंड दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड वेक्टर ट्रायंगल। और ट्रायंगल की वो साइड जिसके एक कॉर्नर पर हेड और हेड होता है और जिसके कॉर्नर पर टेल और टेल होता है, उस साइड को हम रिजल्टेंट। फर्ज करें कि अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दूं, एक वेक्टर ट्रायंगल बना के दूं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने आपको वेक्टर ट्रायंगल बना के दी भाई। और इस वेक्टर ट्रायंगल में हमारे पास ये एक साइड है ए, एक साइड ये है बी, और एक साइड है सी। अब मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे ट्रायंगल में देख के बताएं कि ए बी सी में से रिजल्टेंट कौन सी साइड, जल्दी देखा आप इस ट्रायंगल में देख के बताएं एबीसी में से कौन सी साइड जो है वो रिजल्टेंट है, ये बताएं जरा। अब आप गौर फरमाएंगे अगर, इसमें से अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो पता ही चलेगा भाई कि देखें यारी जो साइड है यहाँ पर टेल और हेड मिल रहा है, इस वाली साइड पर हेड और टेल मिल रहा है, इस वाली साइड पर टेल और हेड, किसी भी कॉर्नर पर हेड हेड और टेल टेल नहीं है, यानी कोई भी किसी का रिजल्टेंट नहीं। तो ये जो वेक्टर ट्रायंगल बनी है इसमें ए बी सी में से कोई भी रिजल्टेंट नहीं है, बल्कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो। इस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या है, जीरो।
ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं, क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। तो एक ऐसी वेक्टर ट्रायंगल्स में तीनों साइड जो वो उनमें से कोई भी रिजल्टेंट ना हो बल्कि तीनों का मिलाकर रिजल्टेंट जीरो बनता है, उसको हम क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इक्विलिब्रियम then they must form a closed vector triangle. Coplane का मतलब होता है सेम प्लेन पर, सेम प्लेन पर मतलब 2D में फोर्सेस बदल रही है 3D में निकल, यानी हम 2D में बात कर रहे हैं। जब कोई चीज 2D में होती है ना तो सेम प्लेन पर होती है, तो जब भी तीन फोर्सेस जो है किसी पॉइंट पर एक्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम में होंगी तो दे मस्ट फॉर्म अ क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। व्हाई दे मस्ट फॉर्म अ क्लोज वेक्टर ट्रायंगल, क्योंकि अगर तीन फोर्सेस जो है वो एक पॉइंट पे लगती है और वो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम मतलब ये होगा इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा तीनों फोर्सेस का। और जब तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा और हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे तो इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी ना, क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बन जाएगी सारे पे, ठीक है। तो इसलिए जब भी तीन कोप्लेनर फोर्सेस एक पॉइंट पर लगेगी और इक्विलिब्रियम में होंगी तो हमेशा क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमेशा क्या बनाएंगे, हमेशा क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे, ये बात तय होगी। मिसाल के तौर पर इस चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सवाल है कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है इस पर तीन फोर्सेस लग रही हैं F1, F2 और 100 न्यूटन और ये इक्विलिब्रियम में, तो बताएं F1 F2 की वैल्यू क्या हो। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर मैं इन तीनों को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट उनका जीरो आएगा, एक क्लोज वेक्टर टाइम। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तीनों को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर
पहले मैंने 100 न्यूटन वाली फोर्स बना देता हूँ, या गई 100 न्यूटन, तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहाँ से बना दिया है, ये फोर्स आ गई F2। अब F2 का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है F2 का? F2 वाला एंगल 20 है, और F2 का वाला एंगल 20 है, तो F2 का ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? 70। 90 - 20 = 70 बनता है। और फिर जहाँ से F2 ख़त्म हो रहा है वहाँ से मैंने F1 बना दिया एक बार, F2 टेल रूल की मदद से F1। अब देखें F1 का ये एंगल 50 था ना, तो F1 का ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 हो गया, ये 90 - 50 यानी कि 40 होगा, तो F1 का ये एंगल 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना होगा? 40 और 70 कितना होता है? 110। 180 में से 110 निकालें तो कितना बचेगा? बचेगा 70 डिग्री, हो गया 70 डिग्री। अब ये एक ट्राइंगल बन गई आपके पास, आपके पास एक ट्राइंगल बन गई इस तरह से करके, समथिंग लाइक दिस। ट्राइंगल में ये एंगल 40 है, ये एंगल 70 है, ये एंगल 70 है, ये फोर्स 100 है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2। अब इस ट्राइंगल को आप साइन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, 100 / sin 70 बराबर होगा किसके? बराबर होगा F1 / sin 70। sin 70 कैसे? तो F1 बराबर हो गया 100 न्यूटन। इसी तरह 100 / sin 70 बराबर होगा F2 / sin 40 है, F2 बराबर होगा 100 × sin 40 डिवाइड बाय sin 70। इसका आंसर बताएं मुझे कितना आ रहा है? शाबाश, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये F1 और F2 का आंसर आ इसी तरह का एक सवाल और करते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, अब मैं जो एंगल्स दिए हैं वो ऐसे दिए हैं, ये देखें ये एंगल आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 65, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स आपको दी हुई है 60 न्यूटन, ये फोर्स है T1, ये फोर्स है T2, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में, ये अरेंजमेंट है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, तो लिहाजा ये आपको जो है ये एक क्लोज वेक्टर बना के देंगे, क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बना के देंगे। तीन तीनों की क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाएं और T1 और T2 की वैल्यू मालूम करें आप जल्दी से। इन तीनों फोर्सेस की क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाएं और T1 और T2 की वैल्यू मालूम करें। सवाल आपके सामने लिखा हुआ,
सर डन सर डन। आंसर बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लूँ, तो ये जो एंगल है ये एंगल भी हम बता सकते हैं कितने हैं। एंगल 15 डिग्री होगा और ये एंगल 25 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इनके क्लोज वेक्टर ट्राइंगल बनाए हैं हम, तो पहले हम 16 न्यूटन को बना लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये आपका 16 न्यूटन आ गया इस तरफ, ठीक है। फिर T2 को बना लेते हैं, ये T2 आ गया आपका, ये T1 आ गया। T1 का ये एंगल कितना है, ये एंगल 75 डिग्री है T1। अब ये आपका T2 आ जाएगा बेचारा, और T2 का जो एंगल है, T2 का जो ये एंगल होगा 65 डिग्री होगा ना, एंगल 65 डिग्री। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, बहुत स्लो आ रही है, हल्की आ रही। हल्की आ रही है, हल्की आ रही है। तो बिल्कुल मुंह के सामने रख के बोलना उतनी जोर जोर से यार। अच्छा एक मिनट रुको। आवाज कुछ बेहतर हुई अब? हेलो सर हेलो, अभी भी हटकी है। अब कुछ बेहतर हुई? यस अभी भी हल्की है सर। सर अभी भी हल्की आ रही है। हाँ भाई आपको आवाज बेहतर हुई? हाँ अच्छी सही है। यस सर। हाँ मैंने दूसरा डिवाइस से कनेक्ट कर लिया बस। चलो खैर, तो हमारी ये ट्रायंगल बनने से, जो ट्रायंगल बनाई समझ आ रही है, दोबारा बनाऊं इसको मैं? दोबारा दोबारा बना ले। बनाऊं? लेकिन हुआ ऐसा कि पहले मैंने 16 न्यूटन वाली फोर्स बना ली। 16 न्यूटन वाली फोर्स आ गई भाई, फिर मैंने T1 बनाया ऐसा से करके, ये T1 आ गया। अब देखें T1 का ये एंगल कितना है, T1 का एंगल 15 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री।
फिर जहां पे टी वन खत्म हुआ वहां से मैंने बना दिया टी टू भाई, या ये आपका टी टू। अब ये देखें कि टी टू का जो ये एंगल है ना, टी टू का ये वाला एंगल, ये एंगल बना हुआ है टी टू का, ये एंगल 65 है टी टू का, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 65 ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, तो एक ट्रायंगल में एक एंगल 75 हो गया, 65 हो गया, दोनों मिलाकर कितना होगा 140, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, टोटल एंगल 180 होता है ना ट्रायंगल का। तो आपकी ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन गई, समथिंग लाइक दिस, ये 460 है, ये T1 है, ये T2 है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 75 डिग्री है, और ये एंगल 65 डिग्री, ठीक है। तो आप साइन लॉ लगाएंगे, तो 60 अपॉन साइन 40 डिग्री बराबर होगा T1 अपॉन साइन 65 डिग्री के, एंड 60 अपॉन साइन 40 डिग्री बराबर होगा T2 अपॉन साइन 75 डिग्री के। आई होप के साइन रूल तो लगाना आता होगा आपको। तो यहाँ से जरा सॉल्व करके बताएं, T1 का आंसर क्या रहा है और T2 का आंसर क्या रहा है, दोनों आंसर बता दें जल्दी से मुझे, शाबाश। T1 का आंसर क्या रहा है और T2 का आंसर क्या रहा है? सर T1 84.6 आ रहा है, T2 90.2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका T1 और T2 का आंसर आ गया माशाल्लाह से। ठीक है, T1 T2 भी आपने सॉल्व कर लिया। अब देखें, ये तो चीज हमने वेक्टर ट्रायंगल बना के की है। इस सवाल को करने का एक मेथड और भी है, और मेथड है कंपोनेंट्स मेथड, यानी कि इसी चीज को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट मेथड भी आपके पास, ठीक है। और फिर ऑल्टरनेट है वो है कंपोनेंट्स, देन क्या आप इनको फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके भी ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, ठीक है। पहला सवाल दोबारा सॉल्व करते हैं, ये पहला वाला जो सवाल था ना, उसको दोबारा सॉल्व करते हैं। यहां पर हम एक काम करते हैं, फोर्सेस के ना कंपोनेंट्स बना लेते हैं। फोर्सेस के कंपोनेंट बना लेते हैं, देखिए F2 का एक कंपोनेंट ये बनेगा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, F2 cos 20, और F2 का एक कंपोनेंट ये बनेगा भाई, और क्या बनेगा, F2 sin 20। इसी तरह F1 का एक कंपोनेंट ये बनेगा, और एक कंपोनेंट क्या बनेगा, F1 cos 50, और F1 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा, और एक कंपोनेंट क्या बनेगा, F1 sin 50। तो अब देखें, तो टोटल आपके पास फोर्सेस क्या होंगे, आपके पास एक फोर्स इस तरफ हो गई, और ये फोर्स है F2 cos 20, एक फोर्स इस तरफ हो गई, और ये है F1 cos 50, एक फोर्स ऊपर की तरफ है F2 sin 20, दूसरी फोर्स भी ऊपर की तरफ है F1 sin 50, और एक फोर्स नीचे की तरफ है 100। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो राइट वाली फोर्सेस लेफ्ट के बराबर होंगी और अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड के बराबर होंगी, यानी कि F1 cos 50 डिग्री आपका बराबर होगा F2 cos 20 डिग्री के बराबर होगा, या फिर आप ये कह लें कि F1 बराबर होगा F2 into
cos 20 डिवाइड बाय cos 50 और वर्टिकली जो है वो f1 sin 50 प्लस f2 sin 20 बराबर होगा 100 के। अब आप जो ये f1 की वैल्यू है इसको अगर रिप्लेस कर दें इस वाले f1 से तो f1 की जगह क्या आ जाएगा f2 cos 20 अपॉन cos 50 आ गया। ये f1 की जगह लिख दिया इनटू sin 50 प्लस f2 sin 20 बराबर है 100 के। यहां से f2 को कॉमन लें तो बचेगा cos 20 cos 50 into sin 50 plus sin 20 is equals to 100। तो इसको सॉल्व करके बताएं f2 का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से शाबाश। पहले आप निकालें cos 20, इसको डिवाइड करें cos 50 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करें sin 50 से, फिर इसमें प्लस करें sin 20 और उस ब्रैकेट की वैल्यू को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 100 को उस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो f2 का आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ f2 का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब F2 की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो तो F1 बराबर होगा 68.4 मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिवाइड बाय cos 50। इसका आंसर बताओ कितना है। cos 20 डिवाइड बाय cos 50 फिर मल्टीप्लाई बाय 68.4। F1 का आंसर आ रहा है 100 और F2 का आंसर 68.4। तो इतने कि ये सवाल जब हमने क्लोज वेक्टर ट्रायंगल से किया था तो आंसर क्या आया था। F2 का आंसर 68.4 आया था, F1 का आंसर 100 आया था। यानी देखिए सेम वही आंसर आ रहा है। F1 का आंसर 100 आ रहा है, F2 का आंसर 68.4 आ रहा है। मतलब कि आप चाहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मेथड से करो चाहे क्लोज वेक्टर ट्रायंगल से करो आंसर एक ही आएगा। मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए बताए क्योंकि कभी एग्जामिनर फरमाइश कर देता है कि क्लोज वेक्टर ट्रायंगल से सॉल्व करो, कभी एग्जामिनर फरमाइश कर देता है कि आप जो एक कंपोनेंट से करो। आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए इसको, ठीक है। तो बाकी एक इंशाल्लाह ताला फिर इसको जो है हम वो कल और मजीद डिस्कस करते हैं और कल की क्लास में इसकी वर्कशीट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो सर वो फाइल भेज दीजिएगा, लेक्चर की फाइल जो भेजते हैं ग्रुप पे वो भेज दीजिएगा। मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह, भेजता हूँ, ठीक है, ओके।